सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। कक्षा 8 विषय संस्कृत की ये कक्षा है। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपन संधि प्रकरण के बारे में पढ़ रहे थे। संधि प्रकरण में अपन ने जो है संधि प्रकरण में 4 संधि अपन ने स्वर संधि के अंतर्गत 4 संधियां पढ़ ली थी। यह है 5वें नंबर की संधि। इससे पहले अयादि संधि 5वें नंबर की संधि है, अयादि संधि। इससे पहले दीर्घ, गुण, वर्धि और यण, ये 4 संधि अपन ने पढ़ ली थी। ये 5वें नंबर की संधि है अयादि संधि। तो अयादि संधि का सूत्र है एचो एचो अया एचो अयवायाव एचो अयवायाव। तो ये तो है सूत्र जो अयादि संधि जो सूत्र करता है, ये है एचो अयवायाव। इसका क्या नियम रहेगा, देखो कि जब एच का अर्थ होता है ए ओ आई औ, ये होता है एच का मतलब। जैसे माहिष्य सूत्र में ई को अयुण रिलिक एओं एओं आयउच, तो एओं और आयउच ये एच वर्ण में आते हैं। एओं का तो ए और ओ और आयउच का तो आई और औ, ये तो एच वर्ण में आएंगे। जब एच वर्ण अर्थात ई ओ आई औ वर्ण के बाद में कोई स्वर आए, जब एच ए ओ आई औ वर्ण के बाद में कोई स्वर आए तो वहां अयादि संधि होती है। जब एच वर्ण के बाद में कोई स्वर आए तो वहां अयादि संधि होती है। ये संधि अयादि संधि की परिभाषा है, नियम है उसका कि अयादि संधि कहाँ होगी। तो वो एच वर्ण के बाद में कोई स्वर आएगा तो वहाँ पे अयादि संधि होगी, ठीक है। इसके बाद में पहला इसका नियम देखते हैं अपने। तो पहले नियम में है, 4 नियम आएंगे इसके। 4 नियम में पहला नियम है, सबसे पहले ए के बाद में कोई स्वर। जब ए के बाद में कोई स्वर आएगा तो ए के स्थान पे क्या जाएगा, ए। ए के स्थान पे क्या जाएगा, ए। और वो कोई जो स्वर है वो ऐसे कैसे यहाँ पे रहेगा बाद में, ए के बाद में केवल ए के स्थान पे ए आदेश हो जाएगा, कोई स्वर जो है वो तो ऐसे कैसे रहेगा, आगे आ जाएगा। और स्वर जो होगा वो आय के यह में हलंद है, इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम पहला उदाहरण, हरे धन ए के अंदर क्या है ए। तो ए को क्या हो जाएगा, आय। तो हरे ए को हो गया आय और ए। अब क्या बन, क्या बन, क्या ए के स्थान पे आय हो गया, क्या बन गया, हर आय और ए, मिला देंगे इनको तो रह हलंदा इसमें मिल जाएगा ए और यह हलंदा इसमें मिल जाएगा ए। तो क्या बन जाएगा, हर ए, क्या बन जाएगा, हर ए, ठीक है। इसी प्रकार से धन अनम से में है ए, से में क्या है ए, तो ए के स्थान पे हो जाएगा अय, ए के स्थान पे अय। तो शय अय अनम बन जाएगा
शयनम छ अय अनम शयनम ठीक है। इसके बाद में जे अति जे अति जे जे में ए है उसके स्थान पर जाएगा अय ज अय और अति मिला देंगे क्या हो जाएगा जयदी हो जाएगा जयदी ठीक है। इसके बाद में ने ने धन अनम ने धन अनम ने ने में ए है उसको जाएगा अय न अय अनम न अय अनम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा नयनम क्या बन जाएगा नयनम ठीक है। ने अनम ने के ए को अय न अय अनम नयनम ठीक है। ये हो गया आपका पहला नियम ए के स्थान पे अय ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा नियम आएगा दूसरे नियम में ओ पदार्थ में आएगा ओ और उसके बाद में कोई स्वर है तो ओ के स्थान पे हो जाएगा अव ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा अव। तो देखो विष्णु विष्णु में ओ है और बाद में कोई स्वर ए है तो विष्णु में जो ओ है उसको जाएगा अव। तो विष्णु अव ए विष्णु अव ए हो जाएगा विष्णु अव ए। अब इनको मिला देंगे अव अव का जो अ है प्रणामी मिल जाएगा तो विष्णु व ए वह अनंत से मिल जाएगा ए क्या बन जाएगा विष्णवे क्या बन जाएगा विष्णवे विष्णु धन ए ओ के स्थान पे अव विष्णु अव ए विष्णवे ठीक है। आगे गुरु धन ए गुरु धन ए का गुरु ओ की जगह अव गुरु अव ए गुरु अव ए और बन जाएगा गुरुवे क्या बन जाएगा गुरुवे। चतुर्थी व्यक्ति है इसमें गुरुवे में कौन सी व्यक्ति है चतुर्थी हरय कौन सी व्यक्ति है चतुर्थी हरि हरि हरय हरि हरि हरिन हरिणा हरिभ्याम हरिवी हरय। इसी प्रकार गुरु गुरु गुरुव गुरु गुरु गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभी गुरुवे चतुर्थी व्यक्ति हुई। भानो अब इसके बाद में भानो धन ए भानो धन ए भानो में जो नो है उसके स्थान पे ओ के स्थान पे अव तो भान अव ए भानवे भान अव ए भानवे ठीक है। भानवे चतुर्थी व्यक्ति है ठीक चतुर्थी व्यक्ति एक वचन तो विष्णु प्लस ए विष्णु धन ए विष्णवे गुरु धन ए गुरुवे गुरुवे भानो धन ए भानवे ठीक है। इसके बाद में आएगा भो धन अनम भो धन अनम भो को अव भ अव अनम भ अव अनम भवनम भ अव अनम भवनम क्या बन जाएगा भ अव अनम भवनम। इस प्रकार ओ धन अनम ओ धन अनम ओ में जो ओ है उसके स्थान पे जाएगा अव प अव अनम प अव अनम पवनम प अव अनम पवनम प अव अनम पवनम ओ धन अनम पवनम ओ धन अनम पवनम ठीक है। विष्णु धन ए विष्णवे गुरु धन ए गुरुवे भानो धन ए भानवे ठीक है। तो ये दूसरा नियम जाएगा ओ के स्थान पे जाएगा अव। अब आता है तीसरा नियम तीसरे नियम में ए ओ अब आएगा आई क्या आएगा आई आई के स्थान पर क्या हो जाएगा आई के बाद में कोई स्वर आएगा आई के बाद में कोई स्वर आएगा तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा आर क्या हो जाएगा आर और कोई स्वर जो है वो वैसे पीछे आ जाएगा ये में मिल जाएगा देखो यह हलंत है नहीं धन अक है नहीं धन अक है यह आ गया
नहीं, में जो आई है उसके स्थान पर जाएगा आय, तो न आय अकर, न आय अकर, नहीं नहीं में जो आई है उसके स्थान पे आय, ये आय हो गया और ये अकर है, ऐसे भी जाएगा। अब मिला देंगे इनको, तो न भी मिला देंगे आ ना, ये भी मिला देंगे है ये ना य कर, क्या हो जाएगा नायक है, क्या बन जाएगा नायक है, ठीक है। और इस प्रकार गई धन अक है, गई धन अक है, गई में आई है उसके स्थान पे आय, गय आय अक है, गायक है, क्या बन जाएगा गायक है, गई अक है गायक है, गई गय आय अक है गायक है। इस प्रकार सही अक है, सही में जो आई है उसके स्थान पे आय, स आय अक है, स आय अक है, तो इसमें स आय अक मिला देंगे इनको तो क्या बन जाएगा सहायक है। सहायक है, ठीक है, आगे समझ में। आई के स्थान पे आय हो जाएगा न आय अक नायक, गई आई के स्थान पे आय, ग आय अक गायक है, सही स आय अक सहायक है, ठीक है। अब आगे देखो, औ अक है, औ अक है, औ के स्थान पे हो जाएगा आओ, औ के स्थान पे आओ, उप आओ अक है, देखो औ में औ हो जाएगा और अगर वह आओ, वह आओ अगर है, वह आओ अगर पर मिल जाएंगे आ बा पर मिल जाएंगे ऐ वह अगर आओ क्या है क्या मिलेगा आओ क्या है आओ क्या है बाओ धन अगर है बाओ क्या है, ठीक है। इसी प्रकार नौ धन एक है, नौ धन एक है और नौ में बाओ है उसको जाएगा आओ न आव इक है नाविक है, न आव इक है नाविक है। और धौ अक है, धौ अक है, धौ में औ है उसको जाएगा आव, तो ध आव अक है, ध आव अक है, क्या हो जाएगा धावक है, क्या हो जाएगा धावक है, धावक होता है, धावक होता है दौड़ने वाला, दौड़ने वाला जो होता है उसको बोलते हैं धावक, नाविक है, नाव चलाने वाला जो नाविक, नाविक है, पावक है, अर्थ है अग्नि, ठीक है। अब देखो भौ धन, भौ धन उक है, भौ धन उक है, ये देखो भौ में औ है उसके स्थान पर जाएगा आव, तो भय आव उक है, भय आव उक है, अब मिला देंगे इनको तो बन जाएगा है आव उक है भाव उक है, क्या बन जाएगा भाव उक है, बन जाएगा भाव उक है, ठीक है भाव उक है। तो इस प्रकार से ये चार हयात सिंधी के जो है वो चार नियम हो गए। एक ही स्थान पे कोई एक के बाद में कोई स्वर आएगा तो एक ही स्थान पे आए, दूसरा नियम है ओ के बाद में कोई स्वर आएगा तो ओ के स्थान पे अव, तीसरा नियम है आई के बाद में कोई स्वर आएगा तो आई के स्थान पे आय, और चौथा नियम है औ के बाद में कोई स्वर आएगा तो औ के स्थान पे आव आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से ये चार जो चारों नियम है ओम भी ये अयादि संधि, इस प्रकार से अयादि संधि रहेगी। आपको इनका होमवर्क भी करना है, इनको याद भी, नियमों को याद भी करना है, संधि के नियमों को। ये तो है आपके, ये तो है संधि विच्छेद और ये अपने की संधि, तो अपन दोनों प्रकार से याद करेंगे, संधि भी करेंगे, संधि विच्छेद से संधि भी करेंगे और संधि से संधि विच्छेद भी करेंगे और संधि विच्छेद से संधि करेंगे। ये दोनों जो है आपस में आपको आना चाहिए। ये संधि प्रकरण की स्वर संधि में आयारी संधि थी,
होमवर्क के लिए आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स की फोटो कॉपी मिल जाएगी। अब याद ये संधि हो गई, संधि के बाद में अपन बुक शुरू करेंगे, इसलिए आप बुक भी जल्दी से खरीद लें। आज तक इतना ही, धन्यवाद।